A man cycles for X hours at 20 kilometer per hour and then Y hours at 16 kilometer per hour. If he cycles 68 kilometer all together in 4 hours, find X and Y. तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो टोटल टाइम यहाँ पे लग रहा है वो 4 आवर्स है, इसलिए जो एक्स और वाई होगा इसका सम 4 होना चाहिए, इसलिए पहला आपको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई एक्स आर्स चलता रहेगा 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, 20x। और अगर वाई आर्स चलता रहेगा 16 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा, 16y। और ये दोनों डिस्टेंस मिल के कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 68 किलोमीटर बोल रखा है। अब इसको चाहो तो आप 4 से कट करके छोटा कर सकते हो, तो 4 से हम इसको छोटा कर देते हैं, तब लिखोगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, आपको एक्स वाई मिल जाएगा। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसमें एक्स या वाई को हमको इक्वेट करना पड़ेगा, इसलिए एक्स को इक्वेट करने के लिए हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 20। ये हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ से लिखा हुआ है 5 का मल्टीप्लाई करके। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस साइन यहाँ पे चेंज होके आएगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3, मीन्स वाई इक्वल टू 3 है। और एक्स प्लस वाई अपने 4 निकाला हुआ है पहले से, तो एक्स प्लस 3 मिल के 4 होगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, इसलिए एक्स होगा 1 आर और वाई होगा 3 आर। अगर आपको चेक करना होगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, दूसरी कंडीशन में ये वैल्यू आप यूज करके चेक कर सकते हो, अगर आंसर ये सेम आएगा तो समझ लेना आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 यूज करोगे तो ये आएगा 20 किलोमीटर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 3 यूज करोगे तो आएगा 48 किलोमीटर, और दोनों ऐड करके 68 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।